साल का दूसरा दिन है और 2 तारीख को हम रिपोर्टिंग के पर्पज़ से जब राजसमंद पहुँचे तो हमें पूरे रास्ते में कोहरा देखने को मिला। अभी मैं कांकरौली रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और यहाँ सुबह की 11:30 बज चुकी है। उसके बावजूद यहाँ अंधेरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कोहरा से अटा पड़ा है। और हम रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, रेलवे ट्रैक की बात करेंगे तो करीब 100 मीटर की दूरी से ही पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो गायब हो रहा है। तो इस रेलवे ट्रैक का क्या नज़ारा है और किस तरह से यहाँ धुंध छाई हुई है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको तस्वीरें हम बताएंगे। देखिए आप ट्रैक जो देखेंगे, मेरे पीछे का ये ट्रैक है और कांकरौली रेलवे स्टेशन का ये ट्रैक है, ये दूर दूर तक कोहरे में लिपटा हुआ है। सुबह की 11:30 की घड़ी में बज चुकी है और उसके बावजूद ये ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुबह से हल्की बूंदाबांदी भी है, हल्की सी यहाँ बारिश भी हो रही है। बूंदाबांदी के साथ साथ जब हम बात करने लगे तो सूर्य देवता गायब हुए हैं, उसके अलावा यहाँ जो लोग हैं वो भी नहीं दिखा दे रहे हैं और लोग सुबह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो हम आपको पूरी स्टोरी में बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यहाँ धुंध है। देखिए ये इस तरफ ये रेलवे स्टेशन का ऑफिस बना हुआ है और कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक मिनट काटो सर, तो किस तरह की यहाँ आज बारिश की संभावना बनी थी और कैसे कोहरा? सुबह से 6 बजे से ऐसी चल रही है और बहुत ठंडी है, कोहरा बहुत है यहाँ और ज़्यादा ठंडी बहुत, ऐसा धुंधल भी बहुत, कोहरा छाया हुआ है। कहाँ जाना है आपको आज? देवगढ़ जाना है। देवगढ़ जाना है यहाँ से? हाँ। तो अभी ट्रेनें भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही ट्रैक पे? नहीं दे रही। ठीक बात है। तो ऐसी सर्दी पहले देखने को मिली आपको? नहीं नहीं, आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। किशन जी, देवगढ़ के रास्ते में आप जाते हैं, भला ऐसी धुंध तो आपने पहली बार ही देखी हुई इस तरह की? हाँ सर। 12 बज रही है उसमें? हाँ, बस सुबह 6 बजे से 12 बज रही है, तब तक ऐसे ही मौसम बिगड़ा हुआ ही यार। ठीक बात। तो किशन जी कह रहे हैं कि सुबह की 12 बजने के बावजूद भी ये इस तरह की धुंध हमने पहली बार देखी है। और ट्रेनें, हालांकि यहाँ इस ट्रैक पर ट्रेनें दिन भर की करीब 4 से 5 ट्रेन होती है, लेकिन अब ये ट्रैक है जो वो पूरा गायब हो चुका है। आप देखें ये ट्रैक दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। और सुबह की जब बात करें तो धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, कोहरे की वजह से यहाँ कुछ भी देखना मुश्किल हो रहा था और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अभी भी हम कुछ पास से कोशिश करते हैं तो भले लोग जाते हुए दिखाई दे के, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी बनती है तो उसके बाद से इंसान जैसे गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो ये नज़ारा हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कांकरौली रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा है। और सुबह जब हम रिपोर्टिंग पे निकले तब हमें हर जगह ये इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा था। तो हमने हमारी इस रिपोर्ट में आपको आज की जो हालात हैं, आज का जो मौसम है उसको बताने की कोशिश की है। और ये साल का दूसरा दिन है, आज 2 तारीख है, 2 जनवरी को ये इस तरह की तस्वीरें हैं मौसम ने दिखाने को मिली है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, सुबह से सूर्य अभी नहीं निकला है और दूर दूर तक अंधेरा कोहरा छाया हुआ है।